आपके पास ये वर्टिसेस हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो आपका जो एरिया होना है बेटे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, तो आपके पास x1 आएगा, ये x1। लेकिन जो y आएंगे वो नेक्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स के आएंगे, यानी कि ये वाले y, तो इनका डिफरेंस y2 माइनस y3, फिर आपको लेना है प्लस, और अब आपको लेना है नेक्स्ट वाला x2, ये x2। लेकिन इस बार अगर ये x2 ले रहे हो तो फिर नेक्स्ट y आएंगे, ये डिफरेंस आएगा, तो आपके पास आएगा x2, बट इस बार ब्रैकेट में रहेगा y3 माइनस y1। अगेन आपको x लेना है, लेकिन इस बार x आएगा x3। अगर आप x3 ले रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट आपने यूज किया है, जो नेक्स्ट आपके पास y रह गया वो ये रह गया y1 माइनस y। तो रिमेनिंग जो आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें से आपको डिफरेंस लेना होता है y1 माइनस y। तो ये सीक्वेंस रखना है आपको एरिया निकालने के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था, बस एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, आपके पास ये क्वेश्चन है। सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपको आसान रहेगा। ये आपके पास है, तो हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया। तो अच्छा ये होता है बेटे कि आप सबसे पहले तो वर्टिसेस के नाम रख लें। अगर आप फर्स्ट वाला ले रहे हैं तो आप यहाँ पे कंसीडर कर लें कि इट इज अवर a is 2, 3, is our b, b is minus 1, 0, is our c, c is 2, minus 4. तो आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लेना है। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लेना है तो ऑर्डर याद रखना है बस 1/2। तो आपको ये x लेना है, ये x कौन सा x है, 2। तो फिर नेक्स्ट y हमारे पास, ये इनका डिफरेंस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपको प्लस लीजिए, तो अब ये वाला x लेना है, ये माइनस में है, तो फिर अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा बेटे -4 -3, फिर प्लस, तो x के लिए प्लस आना है और y के लिए माइनस आना है। तो इस बार x हमारा पास रह गया ये 2, एंड लास्ट आपके पास माइनस रह गए 3 -0। इस तरह से ऑर्डर से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आंसर पास, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास क्या आएगा 1/2, 2 4 जा 8। बेटे माइनस 1 है और माइनस 7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6, ये आंसर है 8 7 15 6 21। 21/2 ही लिख दीजिए, अगर आप लिखना चाहें 10.5 भी लिख सकते हैं। यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है स्क्वायर में होता है। अब ये तो हमें पता नहीं है कि सेंटीमीटर है या मीटर है, जस्ट एनी यूनिट, यूनिट स्क्वायर। कुछ समझ में आया आप सब बच्चों को? क्यों भाई, ठीक है। आपको बेटे बस ऑर्डर याद रखना है। देखो एक प्रैक्टिस और करो, एक बार और करो इसकी प्रैक्टिस, जितने अच्छे से आप ऑर्डर याद रखेंगे वर्टिसेस का उतना ही आसान लगेगा ये। देखो दोबारा से देखो, ये आपके पास है, आपको निकालना है एरिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ 1/2। बताओ x1 क्या है हमारा, पहला x क्या है बेटे हमारा, बताइए शाबाश। फर्स्ट x क्या होगा बेटे हमारा, कोई बच्चा बताएगा?
पहला कोऑर्डिनेट है बेटे एक्स वन वाई वन, दूसरा होता है एक्स टू वाई टू, तीसरा होता है एक्स थ्री वाई थ्री। तो एक्स वन क्या है हमारा, नहीं समझ में आ रहा, एक्स वन है ये हमारा बेटे माइनस, हाँ एक्स टू है हमारा थ्री, एक्स थ्री है हमारा फाइव। तो जो आप एक्स लेंगे तो रिमेनिंग जो हमारे पास कोऑर्डिनेट रहेंगे उनके वाई के डिफरेंस लेना है, बस इतना ध्यान रखना है, ऑर्डर यही चलेगा। इसमें ऑर्डर भी ये नहीं करना कि भाई माइनस फाइव माइनस टू करना है, आप टू माइनस माइनस फाइव कर दो, नहीं। तो आपके पास एक्स वन क्या है माइनस फाइव, ये माइनस में है तो इसका ध्यान रखिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। वाई टू माइनस वाई थ्री माइनस फाइव माइनस टू, अब आएगा प्लस, और आपको नेक्स्ट वाला एक्स लेना है। कौन बच्चा बताएगा नेक्स्ट वाला एक्स क्या है, नेक्स्ट वाला एक्स क्या है बेटे? यस, अब एक्स थ्री आ गया दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का थ्री, तो वाई कौन से रहेंगे? अगर आपने इस वाले कोऑर्डिनेट का थ्री यूज किया है तो अब वाई कौन सा आएगा, जो रिमेनिंग रह गए, रिमेनिंग कौन से रह गए, उससे नेक्स्ट वाला लेना है टू माइनस माइनस वन, टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन। अब नेक्स्ट हमारा एक्स रह गया, तो नेक्स्ट एक्स कौन सा होगा, अब हमारा लास्ट वाला, लास्ट वाला कौन सा है, ये है फाइव, तो इसमें सिर्फ एक्स लेना है फाइव। और अब कौन से वाले कोऑर्डिनेट्स बचे, ये पहले दो, इनका वाई लेना है, तो माइनस फाइव माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, माइनस वन माइनस माइनस प्लस फाइव, ये आपके पास। सबसे पहले तो आप एरिया ही निकालना सीखिए सब बच्चे, अभी फिर दोबारा से लेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सबका रेस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है। वन बाई टू माइनस फाइव इंटू माइनस सेवन, तो ये हो गया हमारे पास प्लस, थ्री थ्री जा नाइन, ये हो गया हमारे पास प्लस, फाइव फोर जा ट्वेंटी, ये भी हम कर ही लेते, तो ये हो गया थर्टी फाइव और नाइन फोर्टी फोर और ट्वेंटी सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर बाई टू थर्टी टू यूनिट स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है जी, दोबारा से देखिए आप सब बच्चे, सबसे पहले तो क्योंकि एरिया निकालने पे ही हमारा पूरा एक्सरसाइज है कि आपके कोऑर्डिनेट आप इसको सही से रख सकें, ये आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए आप सब बच्चे दोबारा से, शफी कहाँ है, शफी नहीं आया आज, देखिए दोबारा से बेटे आप सब बच्चों को, तारिक बेटे वीडियो बंद कर दीजिए, शुक्रिया। चलो बेटे देखो, शाबाश सर, दोबारा सर ये क्लास किस क्लास की है, आप कौन से क्लास में है? सर मैं टेंथ में, टेंथ ही है, टेंथ की है सर। कौन से ग्रुप में आप? सर मैं अनीस एकेडमी में, एकेडमी जी जी मैं अनीस एकेडमी जी, अनीस एकेडमी क्या, मैं अनीस एकेडमी में हूँ। अनीस एकेडमी क्या है, ये नहीं है, नहीं चाहिए। आपको किसने दिया ये कोड, ये मेरे मामू है वो भेजे ये लिंक। कौन से मामू? वो दिल्ली में रहते हैं, सिदकुल्ला नाम है जी, सिदकुल्ला नाम है मेरे मामू का, वो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने ये लिंक भेजा मुझे। आपको सर ये मेरे लिए नहीं है क्या, टेंथ के लिए नहीं है ये? है तो बेटे टेंथ के लिए, लेकिन आपको अनीस एकेडमी से कहां से मिल गया बेटे? क्या नाम बताया आपने? तारिक।
जी कौन से मामू हैं आपके? वो दिल्ली में रहते हैं, सिद्धुल्ला। ठीक है, क्लास करिए पहले आप, फिर बाद में बात करेंगे आपसे। कौन सा स्कूल है आपका? वो राजस्थान स्कूल दिल्ली में, वो राजस्थान बोर्ड है लेकिन दिल्ली में स्कूल है। दिल्ली में है, राजस्थान बोर्ड है। दिल्ली यस में राजस्थान बोर्ड कहाँ से आ गया? और आप दिल्ली में रहते वो, कहाँ? मैं दिल्ली में, दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में कहाँ रहते हैं? बटला हाउस बटला हाउस रहते हैं। जी तो राजस्थान बोर्ड कहाँ से आ गया? सर। वो हाफिज, जो हाफिज बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को जैसे 10-12 हाफिज बच्चे को रखा जाता है, और राजस्थान बोर्ड की तैयारी कराई जाती है उन्हें, स्पेशल रखकर उसको तैयारी की किया जाती है। जो हाफिज रहते हैं उन्हीं को कौन करा रहा है ये कोर्स, जो हादसे वाला कोर्स करा रहा है? डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब हैं। अब्दुल खालिक साहब क्या आप कर रहे हैं? वो दिल्ली में ये कोर्स कराते हैं, डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब। कहाँ पे कराते हैं? क्लासेस कहाँ होते हैं आपके? ये एक क्लास वही पटला ही हॉस्टल में होती है। क्लास में जो डॉक्टर अब्दुल खालिक क्लास कराते थे? जैसे वो रहते हैं दूसरी जगह, लेकिन उनका जो क्लास जो है, जो रूम जो भाड़े पे लिए हुए हैं, इधर उधर चलता रहता है, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, जैसी सहूलत आधी मिलती है वैसे चले गए। आधी आधी बात बताया तो मैं आधी नहीं, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम आधी आधी बात कर रहे हो। डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और कहाँ उनकी क्लासेस चलती है मैं वो भी जानता हूँ। तो आप आधी आधी चीजें क्यों बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्लास कर लो फिर बाद में बात करो। कोई बात नहीं जी बेटे, ध्यान से देखो आप सब बच्चे, दोबारा से देखिए बेटे आप सब बच्चे, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें एक्सरसाइज में ऑर्डर ही मैटर करेगा। अगर आपके पास वर्टेसेस क्या हैं, X1, अब मैं अलग अलग कलर से मेंशन कर रहा हूँ, Y1, फिर आपके पास क्या है X2, और फिर आपके पास क्या है Y2, फिर आपके पास क्या है X3, और फिर आपके पास क्या है Y3, ये आपके पास है। तो आपको क्या करना है, अपना माइक म्यूट करो तारे, जब आपको बोलना हो तभी बेटे आप उसको ऑन करिएगा। तो आपको क्या करना है, इसका जो एरिया होगा ट्रायंगल का नेक्स्ट, उसमें आप बताएंगे बेटे थोड़ा सा तेजी से कैलकुलेट करके सब बच्चे, क्योंकि ऑर्डर के बगैर आप सब समझ में नहीं आए। हमें X1 लेना है, X1। तो अगर आप 1 को यूज कर चुके हैं तो 2 और 3 को माइनस करना है। तो आपके पास आना चाहिए बेटे Y2 माइनस Y3। ध्यान से देख लीजिए, आपने 1 को यूज किया है तो नेक्स्ट जो आपके पास Y है वो आएगा Y2 माइनस Y3। अब प्लीज ध्यान से देखिए, फिर आएगा प्लस, ब्रैकेट से बाहर प्लस होना है और ब्रैकेट के अंदर माइनस होना। अब आपको यूज करना है X2। अगर आप X2 यूज कर चुके तो सीक्वेंस में नेक्स्ट Y कौन सा आ रहा है, कोई बताएगा बच्चा मुझे? Y2 माइनस Y3। नहीं, X2 यूज हो गया ना बेटे, तो अगर X2 यूज हो गया तो नेक्स्ट Y कौन सा है? नेक्स्ट वाई बेटे Y3 है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आ माशाल्लाह, खुदा का शुक्र एहसान माशाल्लाह से। बताएं कहाँ तशरीफ है? अच्छा माशाल्लाह, चलिए गांव में सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दिल्ली में भैया, अल्लाह का शुक्र बेहतर है माशाल्लाह से। और बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे? अच्छा चलिए, अल्लाह खैरियत चले, सलामत। जी,
मैं अभी अभी आपको अभी भेज दूंगा जी, इंशाल्लाह जी 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 अच्छा जमाल, अच्छा बस ऐसे ही जी जी मैं इंशाल्लाह जरूर बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल सर बिल्कुल एग्जाम हो जाए इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जरूर नहीं फिक्र नहीं इंशाल्लाह, मैं कल ही इंशाल्लाह बताता हूँ जरूर, आप बेफिक्र बताओ जी बेटे बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से, देखो कौन बच्चा बताएगा, देखो दोबारा से भी समझ लीजिए, जो बच्चों को फॉर्मूला याद रखना हो तो मैं बार बार इस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये है फॉर्मूला एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ये फॉर्मूला है बेटे। अब आप कहोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है एक्स वाई माइनस वाई, अब आप जरा देखो आपको सिर्फ काउंटिंग आनी चाहिए, वन टू थ्री, हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन नंबर है वन टू थ्री, ठीक है सर हमारे पास नंबर है वन टू थ्री, तो आपको पहले लेना है वन से स्टार्ट करना है, अब आप लीजिए टू से, टू थ्री वन, तो ये आएगा टू, ये आएगा थ्री, ये आएगा वन, फिर आप लीजिए थ्री से स्टार्ट, तो थ्री वन टू, यहाँ थ्री यहाँ वन यहाँ टू, तो अगर वन है तो टू माइनस थ्री होगा, टू है तो थ्री माइनस वन होगा, थ्री है तो वन माइनस टू होगा, बताइए कौन बच्चा बताएगा मुझे पी क्यू आर का फॉर्मूला कैसे करो, हाँ जी सर एरिया बताएगा कोई बच्चा मुझे, पी हमारा है माइनस वन पॉइंट फाइव कॉमा थ्री, क्यू हमारा है सिक्स माइनस टू, और आर हमारा है माइनस थ्री फोर, बताइए पी क्यू आर का एरिया क्या हुआ, रवि यस सर बताओ बेटा, सलमान तोहीद सुहेब अब्दुल रहमान संगे मित्रा, कौन बच्चा बताएगा, जी बेटे कौन बच्चा बताएगा आंसर, क्या वो समझ में नहीं आ रहा है, समझना नहीं चाह रहे हो, दो मिनट दे तो सॉल्व कर दे, दो मिनट तो दे चुका मैं, सलमान आपको समझ में आ रहा है ये,
सर मेरी छूट गई थी ना शुरू की क्लास, सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी? रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, अब तो दो बार बता चुका है बेटे, ऑर्डर ही तो रखना है बस। हाँ सर वो फॉर्मूला में पुट करना है y2 - y3। क्यों नहीं करा आपका? देखो दोबारा से देखते रहो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये अपने दिमाग में से ये ऑब्स्टेकल हटा लिया करो कि मैंने क्लास अटेंड नहीं करी इसलिए समझ में नहीं आ रहा। बेटे मैं तो दोबारा बता रहा हूँ, तो सब बच्चे रेडी रहा करो, जहां से भी स्टार्ट करो कि यहीं से समझ में आ जाए। तो 1/2 तो हाफ बेस इनटू हाइट तो फॉर्मूला होता ही होता है, तो 1/2 तो है। अब यहाँ पे हम लेंगे मॉडुलस, तो पहले वाले जो आपके पास कोऑर्डिनेट है ब्रैकेट है उसका एक्स लेना है, तो उसका एक्स ये है हमारा, कितना है ये -1.5 आप लिख लीजिए बस मेरे साथ करते जाइए। अब नेक्स्ट टू ब्रैकेट बचे हैं आपके पास, तो उनके वाई का डिफरेंस लेना। बताओ क्यू का वाई कितना है? -2। और आर का वाई कितना है? 4। -4 हो जाएगा, ठीक है माइनस लेना है तो इसलिए माइनस हुआ है, तो y2 - y3। अब प्लीज ध्यान से देखो, आउटसाइड ब्रैकेट आना है प्लस। अब आपका फर्स्ट वाला तो वो तो यूज हो चुका p, अब आपको लेना है नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट कौन सा है? q। अब q में x बताओ क्या है, q में x क्या है? 6 है, वेरी गुड, प्लस हम ले चुके। अब हमारे पास आएगा ब्रैकेट, अब q के बाद कौन सा सीक्वेंस में है हमारे पास? y3 - 5। r आएगा हमारा, है ना, तो r का y बताओ क्या है? -4। और 4 के बाद कौन सा वाला y आना है? -3। यस, तो ये हो गया 4 - ये है हमारे पास, ठीक है जी। हेलो, ये भी हो गया हमारा। अब बताओ कौन सा वाला x बचा हमारा? x3। ठीक है, r बचा, r का x क्या है बताओ? -3। r का x है -3, ठीक है जी, तो -3 ले लीजिए। और -3 के बाद अब जो आपके पास ये थर्ड वाला हो गया, तो अब आपके पास कौन से वाले y बचेंगे? 1 और 2 शुरू वाले, है ना, 3 और -2। तो बस ये सीक्वेंस है बेटे, जिसने ये लिखना सीख लिया आंसर आ गया, मॉडुलस आ गया। जी सर, हुकुम, समझ आ गया। अब बताओ कितना कैलकुलेशन हुआ, 1/2 मॉडुलस, -2 - 4 - 6 होता है, क्या होता है? -6। और -1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 6 जा होता है 90, -2 हो जाएगा प्लस, तो 9 आ गया, प्लस 4 - 3 होगा 1, इंटू 6 करोगे 3 + 2 होगा 5, और 5 + 3 जाओगा 15, बस यार। तो बताओ 9 और 6 कितना हुआ? 9 और 6 15, और 15 - 15 0। तो ये हमारे पास हो गया जीरो। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो एक्चुअली क्या है, आप सब बच्चे सोचो कि भाई अगर हमारे पास एक लाइन आ जाए बेटे, ये पॉइंट है ए, ऐसा कब होगा भाई एरिया जीरो हो जाए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। अब इसका मतलब ये है कि सर आपका ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, जब ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो उसका एरिया जीरो हो रहा है। तो ये एक तरह से कंडीशन हो गई कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जीरो है, इसका मतलब ये होगा कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर, तो फिर एबीसी कोलिनियर हो जाएंगे। और इसका अपोजिट समझ लीजिए कि अगर आपके पास ए बी सी कोलिनियर है तो उसका एरिया जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? जी सर। मतलब आपके पास तीन कोऑर्डिनेट दे देगा,
थ्री कोऑर्डिनेट्स विल बी गिवन, आपसे कहेगा शो करो ये कोलिनियर है, तो शो आप कैसे करोगे, आप उसका एरिया निकाल दो, अगर एरिया जीरो आ जाए तो आप कह देना दे आर कोलिनियर। इसका रिवर्स, अगर कोलिनियर दिया हुआ है तो इसका मतलब एरिया हम जीरो रख सकते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ओहो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। ये देखो आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए टू थ्री बी फोर के एंड सी सिक्स माइनस थ्री आर कोलिनियर। ये मैं पास किया, तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या गिवन है भाई जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो अभी मैंने क्या कहा था, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हो तो क्या होता है, एरिया जीरो। वेरी गुड, तो आप यहां रख सकते हैं सो एरिया विल बी जीरो। अब एरिया निकालना हमें आता है, तो एरिया क्या होगा, वन बाई टू अगेन सिक्वेंस, क्योंकि सारे क्वेश्चन में सिर्फ सिक्वेंस ही करना है, एरिया निकालना है। बताओ पहला एक्स क्या है हमारा, पहला एक्स क्या है हमारा, टू। अच्छा नेक्स्ट वाई कौन कौन से होंगे हमारे, के और माइनस थ्री, इनका डिफरेंस करो तो के माइनस माइनस प्लस थ्री। बताओ ये बात समझ में आ गई, प्लस जी सर। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वाला एक्स क्या है हमारा, नेक्स्ट वाला एक्स होगा फोर, ठीक है फोर। अब आपको क्या करना है, माइनस माइनस करो भाई, माइनस होगा माइनस थ्री माइनस थ्री। फिर लास्ट हमारा एक्स क्या होगा सर, लास्ट हमारा एक्स होगा सिक्स, ठीक है आप सिक्स ले लीजिए। तो फिर आप सिक्स अगर आप लेंगे तो आपके फिर वाई कौन से बचे, सिर्फ थ्री माइनस के। ये सिक्वेंस होगा और इसको रख दीजिए जीरो के इक्वल, ये सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, टू से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो जीरो ही हो जाएगा बेटे, इसे सिंप्लीफाई करो, 2k प्लस 6, फिर इसे करो 3 जा 3 और 3 6, 6 4 जा 24, फिर इसे मल्टीप्लाई करिए बेटे 6 3 जा 18 माइनस 6k। प्लीज ध्यान से देखो यहाँ मॉडुलस था, मॉडुलस इज इक्वल टू 0। अब मॉडुलस को सॉल्व करना सीख लीजिए, अगर हम मॉडुलस को रिमूव करते हैं बेटे तो हमेशा प्लस माइनस आएगा, जैसे स्क्वायर रूट को हटाते थे ना, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस, तो सेम यहाँ पे लिखे क्योंकि राइट साइड जीरो है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो मॉडुलस अगर हटाएंगे तो 2k माइनस 4k हमारे पास आएगा माइनस 4k और 6 और 18 24, 24 माइनस 24 भी जीरो आ गया, तो चलिए माइनस 4k मॉडुलस जीरो, तो आपके पास क्या आएगा 4k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जीरो, k इज इक्वल्स टू जीरो बाई समथिंग, कुछ भी लिखिए जीरो ही रहेगा ये हमारे पास आंसर, ठीक है सर। तो इस तरह से आपसे कोलिनियर की कंडीशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज में, जरा मुझे बताओ एक क्वेश्चन करके आप सब बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बताइए आपके एक्सरसाइज का 7.3 का, एरिया निकालने के लिए नहीं आता है, मोस्टली क्वेश्चंस में के फाइंड करने के लिए आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स आर कोली। सब बच्चे करो जरा पहला वाला पार्ट करके दे, 7-2 पहले आप करो, एक मिनट फिर मैं करूंगा स्टार्ट करो, शाबाश।
ओके सर, देखो सर फिर दोबारा से देखिए हमारे पास क्या है, हम इनके वर्टिसेस कंसीडर कर सकते हैं, ए इज 7-2, बी इज 5-1 एंड सी इज 3k. अगेन ए बी सी कोलिनियर है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, इफ दे आर कोलिनियर एरिया इज जीरो, तो एरिया ट्राइंगल जीरो, दैट्स वाई 1/2. फर्स्ट हमारे पास x बटे 7 है तो 7, और नेक्स्ट हमारे पास जो y है वो है 1 एंड k, ये हो जाएगा 1-k. फिर नेक्स्ट हमारे पास जो x है वो 5 है तो प्लस 5, और हमारे पास y आएगा k-2 एंड -2, तो k -- +2. फिर हमारे पास आएगा लास्ट वाला, लास्ट हमारे पास x है 3 और नेक्स्ट हमारे पास y आएंगे -2 -1. बस इतना सा करना है तो आपके पास क्या होगा, इज इक्वल्स टू 0. 2 को इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, मॉडुलस भी हटाएंगे प्लस माइनस होगा, कुछ नहीं होने का. तो आप सॉल्व ही कर लीजिए, 7-7k 5k +10 एंड 3×3 = 9 इज इक्वल्स टू 0. ये आंसर है बस. तो आपके पास क्या आ गया, -7 + 5 - 2k, और ये क्या हो गया, 17 - 9 = 8, 8 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. फाइनली k इज इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, बताओ, k इज इक्वल्स टू 4. क्या मतलब, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करा. एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आज मैंने आपको 5:30 का मैसेज डाला था, मैंने कहा आज अगर आप पॉसिबल हो तो 5:30 क्लास कर लीजिए, बट आप शायद देख ही नहीं पाए मैसेज. एक और क्वेश्चन देखिए, देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन इस पे बेस दिए हुए हैं. एक क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, सबसे पहले इस लैंग्वेज के मीनिंग मुझे बताओ क्या होगा. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज वर्टिसेस फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स हूज वर्टिसेस आर 0-1, 2-1, 0-3. फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल. क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए पहले. तो हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है. एक गिवन है 0-1, एक गिवन है बेटे 2-1, और एक गिवन है बेटे 0-3. दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल. आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स. तो आपको मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं. मान लो इसका मिड पॉइंट हो गया डी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज ई एंड मिड पॉइंट ऑफ एसी इज एफ. तो वी नीड टू फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ दीज थ्री साइड्स एंड आफ्टर जॉइनिंग दीज मिड पॉइंट्स वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ऐसे तो कोई बच्चा बताएगा हाउ वी कैन फाइंड डी, D को आप कैसे फाइंड करेंगे. क्यों भाई, व्हाट इज D हमारा, क्या होगा, कोई बताएगा. मिड पॉइंट ऑफ AB. फार्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, हमने किया था ना डिस्कस, याद है कुछ, x1 + x2/2 है ना, एंड y1 + y2/2. याद आया कुछ, तो 2/2 तो बेटे 1 हो जाएगा,
और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो d हमारा आएगा 1 0। अच्छा इसी तरह से आप e निकालोगे, e क्या होगा बेटे, 2 प्लस 0 बाय 2 एंड 1 प्लस 3 बाय 2, तो 2 बाय 2 अगेन 1 एंड 4 बाय 2 इज 2। ऐसे ही आप f निकालोगे तो ये e आ गया आपका 1 2, f क्या आएगा 0 प्लस 0 बाय 2 एंड 3 माइनस 1 बाय 2, 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, माइनस वन हो गया, टू टू बाई टू वन, तो एफ हो गया आपका जीरो का। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है, फिर उसका रेशो निकालना है। तो देखो सीक्वेंस में रखो, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालना, जब आप सीख लोगे तो एक लाइन में एरिया आ जाया करेगा, थोड़ा सा वन बाई टू। देखो हम पहले एक्स ये वाला ले रहे हैं वन, और नेक्स्ट वाई को डिफरेंस ले रहे हैं, तो नेक्स्ट वाई का डिफरेंस क्या आएगा, नेक्स्ट वाई का डिफरेंस आएगा टू और माइनस वन, माइनस वन फिर आएगा बेटे प्लस। अब नेक्स्ट वाई हमारा, नेक्स्ट एक्स क्या होगा हमारा वन, हमारा पास आ जाएगा वन, और वाई आएगा वन माइनस जीरो, फिर नेक्स्ट हमारा एक्स आएगा जीरो और वाई आएगा हमारा जीरो माइनस टू, तो एक ही लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। देखो क्या आया आपके पास, क्या होगा आपके पास होगा 2 माइनस 1 1 इंटू 1 इज 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 2 बाई 2 इज 1, ये आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बताओ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा बेटे 1 बाई 2, पहला एक्स आएगा 0 और y आएगा 1 माइनस 3 प्लस, देखो ध्यान से ये है हमारा ए बी सी, ए बी सी, तो a में हमारा पहला 0 है, ये 0, और फिर हम इसको 1 को और 3 को माइनस करें, फिर हमारा दूसरा x क्या होगा, दूसरा x होगा 2 और y होगा 3 माइनस माइनस प्लस 1, और फिर तीसरा हमारा y क्या, x क्या होगा 0 और ये होगा माइनस वन माइनस वन। सिंप्लीफाई करो इसको, पहला तो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो ही आएगा, टू फोर एट हो जाएगा, एट बाई टू फोर हो जाएगा, ये आंसर है। अब आपको अगर याद हो और आपने कभी पढ़ा हो कि बेटे अगर हम ट्राइंगल में मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो फोर्थ होता है, वन फोर्थ, तो देखो यहाँ आ भी यही रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन बाई टू, यही आंसर है, वन इज टू, सही है जी। देखो डी ई एफ कितना आया था, वन, और ए बी सी कितना आया, फोर, कितना रेशो हो गया, वन इज टू फोर। तो आज आप इतना ही कोशिश करेंगे, ठीक है जी। हमारे दो क्वेश्चन रह गए हैं, दोनों क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे, संगीत इतना कहेंगे आज सर आप इतना ही पढ़ा रहे जी, यही बोलने आए तो सारी, हाँ यही बोलने, मैंने 5:30 क्लास सोची थी, मैंने कहा आपकी क्लास 5:30 से 6:30 लूंगा, ये दो क्वेश्चन आप करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स, ये कोशिश कर लीजिए। सर रोज 5:30 से 6:30 लोगे? नहीं मैंने आज करनी चाहिए थी, अगर आप 5:30 6:30 अवेलेबल हो तो 5:30 से कर सकते हैं, तो आज के लिए मुझे एक मीटिंग है सर में मेरी, तो उसके लिए जाना है, आज बच्चों का वेबिनार है जी बेटा। सर एक क्वेश्चन था जी, क्या कह रहे हैं, सर साइन कॉस और टेन के उनके रहते सर, साइन कॉस और टेन के जो चैप्टर 8 में रेशियोस थे ना सर, उनको एक बार फिर से बता दीजिएगा सर, कल बताएंगे बेटा, ठीक है जी। Thank you.
Thank you.